प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेट अब मैं पहले एक चीज़ सीखना होगा। यहाँ पे है, मैंने अपने खुद का एक एग्जांपल दिया है, 21 raised to 5/7। ओके, इसमें जो 5 ऊपर वाला है उसको पावर कहते हैं और जो नीचे 7 है उसको रूट कहते हैं। ओके, कल हम लोगों ने देखा था रूट वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन इसमें दो दो नंबर है, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, नीचे वाले को रूट बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लेना। प्रैक्टिस सेट 3.2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 5। उसका पहले आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ द रूट, और दूसरा क्या निकालना है, रूट ऑफ द पावर। तो पहले हम लोग जितने भी पावर ऑफ द रूट है वो सब निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर क्या है, 225 raised to 3/2। इसमें पहले क्या बोला है, पावर ऑफ द रूट। ठीक है, इसमें पावर कौन है, 3, एंड रूट कौन है, 2। 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब, 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पावर ऑफ द रूट ना, तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। ओके, इसमें पावर कौन है, 4, रूट कौन है, 5th। ठीक है, आपको क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट, सो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। वैसे ही ऊपर का पावर है, नीचे का रूट है, 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। ठीक है, वैसे ही इसमें पावर कौन है, 4, रूट कौन है, 10, तो 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। ऑलराइट, लास्ट इसमें पावर कौन है, 3, यानी क्यूब, रूट कौन है, 7, तो कैसे लिखेंगे, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21। ठीक है, अब इसका उल्टा लिखना है, रूट ऑफ द पावर, इसमें पहले रूट लिखना है फिर पावर लिखना है। ठीक है, इस नंबर पे आ जाओ, रूट कौन है, नीचे वाला नंबर 2, पावर कौन है, ऊपर वाला नंबर 3, पर ये स्क्वायर है, 2 और 3 मतलब क्यूब, तो कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ द पावर, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ठीक है, इसमें रूट कौन है, 4, पावर कौन है, 5, तो कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। इसमें रूट कौन है, 7, पावर कौन है, 6, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले रूट ऑफ द पावर, पहले रूट लिखने का फिर पावर। इसमें रूट कौन है, 10, पावर कौन है, 4, 10th रूट ऑफ 4 पावर ऑफ 100। इसमें रूट कौन है, 7, पावर कौन है, 3, यानी क्यूब, तो कैसे लिखेंगे, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, सो अगर आपको पावर ऑफ द रूट बोला है तो पहले पावर लिखने का, ऑफ द फिर उसका रूट लिखने का, अगर रूट ऑफ द पावर बोला है तो पहले रूट लिखने का, ऑफ द फिर उसका पावर लिखने का, और जो नंबर दिया है वो लिख लेने का। ओके, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन ऊपर वाले का उल्टा है, रिवर्स। ओके, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ये सब देख रहे थे आप, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल इंडाइसेस, ऐसे लिखना है। तो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। पहले मैं नंबर लिखूंगा 121 और इधर डैश मारेंगे, एक नंबर ऊपर आएगा एक नंबर नीचे आएगा, नीचे नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं, रूट, है ना, तो इसमें रूट कौन है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर यानी 2, और पावर ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 5th पावर, तो 5। ऑलराइट, पहले रूट निकाल लेने का फिर पावर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख देने का। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, तो 324 लिख दिया और ऊपर डैश मार दिया, नीचे रूट ढूंढना है, रूट कौन है इसमें, 4th रूट, तो 4 आ गया, और पावर क्या है, क्यूब, क्यूब यानी 3, क्यूब का मतलब 3 होता है, अगर स्क्वायर बोला होता तो 2 लिखने का। नेक्स्ट, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264,
तो 264 लिख दिया। इसमें रूट कितना है, फिफ्थ रूट, तो नीचे 5 आ गया। ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2। क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो पहले ये 3 लिख दिया और डैश मार दिया। नीचे हम पहले नीचे वाला नंबर निकालेंगे, रूट वाला नंबर निकालेंगे, फिर पावर देखते हैं। रूट कितना है इसमें, क्यूब रूट, क्यूब यानी 3। अब पावर नंबर निकाले, पावर कौन है इधर, क्यूब, तो वो भी 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 करेंगे।